हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बटेर पक्षी की आधुनिक तरीके व मशीनों द्वारा फार्मिंग किस तरह से की जाती है उसके बारे में बताने वाला हूं, जो आपके ज्ञान को बढ़ाने के साथ साथ आपके काफ़ी ज़्यादा काम भी आ सकते हैं, तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखेगा। दोस्तों, बटेर पक्षियों के पालन के लिए सबसे पहले जितने भी अंडे होते हैं उन्हें ट्रे में रखकर इकट्ठा करके उन्हें इंक्यूबेटर के अंदर रख देते हैं। इन अंडों को एक निर्धारित तापमान सेट करके इसके अंदर रख देते हैं और इन अंडों को लगभग 15 दिनों के लिए इंक्यूबेटर के अंदर रखते हैं। अब 15 दिन के पूरे होने तक इन अंडों से चूजे बाहर आ चुके होते हैं, जिस कारण अब इन ट्रे को इंक्यूबेटर से बाहर निकाल लिया जाता है। अब इन चूजे को ट्रे से निकालकर अलग किया जाता है, जिसमें जो हेल्दी बर्ड होते हैं उन्हें मुख्य फार्म में भेज दिया जाता है। अब इन चूजों को मेन फार्म में लाकर लगभग 2 हफ्तों तक सरफेस में ही रखा जाता है, जिसके बाद इन्हें फार्म के केज सिस्टम में मूव कर दिया जाता है। इन हर एक केज में शुरुआती समय के लगभग 2 हफ्तों तक 100-100 चूजे को रखा जाता है और इन्हें ऑटोमेटिक मशीनों की मदद से भोजन व पानी समय समय पर दिया जाता है। अब 2 हफ्तों के बाद ये चूजे थोड़े बड़े हो जाते हैं, जिस कारण अब हर एक केज में लगभग 50 चूजे को रखा जाता है और ऐसा इन्हें लगभग 6 हफ्तों तक रखा जाता है। अब लगभग 7 से 8वें महीने में ये जब अंडा देना स्टार्ट कर देते हैं, तब इनके अंडों को ऑटोमेटिक एक हार्वेस्टिंग सिस्टम द्वारा अंडों को इकट्ठा कर लिया जाता है। ये एक हार्वेस्टिंग सिस्टम इतना ज़्यादा एडवांस होता है कि इससे कोई भी अंडों को नुकसान नहीं पहुंचता है। फिर भी अंडों के पैकिंग के वक्त अंडों की छटाई की जाती है और ख़राब अंडों को अलग कर लिया जाता है। अब फार्म की जितनी क्षमता होती है उतने अंडों को फिर से इंक्यूबेटर में डाल दिया जाता है और बाकी अंडों को मार्केट भेज दिया जाता है। अब इन बटेर पक्षियों के मीट को प्रोसेस किया जाता है और इस मीट को अच्छे से कटिंग व क्लीनिंग करके पैकिंग कर दी जाती है और इसके मीट को भी मार्केट ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।